सो वह कौर सिंह नाँ का बॉक्सर है जिन्हें पद्म श्री जितया। सो वह बंदा 37 साल बाद अज वो कोई दुबारे किसी ने गल छेड़ी है कि कौर सिंह नाँ का बंदा है। साड़ी फिल्म लाइन के जिमें हूँ कुछ लोग संजीदा किस्म के सिनेमे अगे लेके आना चाहते हैं, कुछ लोग यहोजी फिल्म बनाने चाहते हैं जिन्हें जिन्हें साड़ी आने वाली जनरेशन को पता लगे डाकूमेंट बन सके जोड़ा एक, क्योंकि यो जे लोगों के फिल्म बन का मतलब है उन्होंने बहुत सारे लोगों के लिए राह दशहरे बनना है। उन्होंने लगता है कि कौर सिंह मदद दे के सानू की मिलना है, कौर सिंह के घर दिन 4 वोटा होगी। कला बंदा लड़के कई बार आ जाता है, वो जदों फॉरन कंट्री जित के एयरपोर्ट से उतरता है उन्होंने कुछ रिसीव करने भी नहीं आता। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो प्रो पंजाब टीवी, मैं हाँ खुशी सरान। जे पंजाबी सिनेमा की गल करिए बहुत सारिया फिल्मां रिलीज़ हुई ने इदा दियाँ जो कि बायोपिक ते बेस है, जिमें कि हरजीता, सज्जन सिंह रंगरूट, सूबेदार जोगिंदर सिंह। तो उत्थे जेकर गल की जाए तो हुण एक फिल्म रिलीज़ हो जा रही है कौर सिंह, जो कि 22 जुलाई में रिलीज़ होएगी। एक बायोपिक का एक सच्ची कहानी ते आधारित ये फिल्म आ, जिस फिल्म के बारे जे गल करिए कौर सिंह के बारे बहुत ही घट लोगों को पता है कि आखिर कौर सिंह कौन सी। इस फिल्म के नाल जिथे कौर सिंह की जिंदगी के बारे पता लगेगा उत्थे ही उन्होंने वालों किन्ने सारे अवार्ड जीते गए वो हर एक चीज़ जी इस फिल्म के देखने मिलेगी। फिल्म की स्टारकास्ट नाल गलबात कर रहे इस टाइम तो मेरे नाल मौजूद आ मलकीत रौनी जी, गल कर लें उन्होंने नाल। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। बहुत बहुत स्वागत है प्रो पंजाब। बहुत मेहरबानी प्रो पंजाब के दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल जी। मलकीत सर, गल करिए कौर सिंह फिल्म, सब तो पहला मैं चाहनी थोड़ा जो ऑडियंस इस बारे दस दूँ, क्योंकि बहुत ही घट लोगों को कौर सिंह जी के बारे पता है। हाँ जी, इस करके असी फिल्म बनाई है क्योंकि लोगों को घट पता है उन्होंने बारे। संगरूर जिले के कनाल पिंड का रहने वाला कौर सिंह एक नाम का व्यक्ति है, जिहड़ा आर्मी च भर्ती होंदा, उस तो बाद बॉक्सर बनता है। बॉक्सर बन तो बाद अर्जुन अवार्ड मिलता है, अर्जुन होर बहुत सारे पहले अवार्ड मिलते हैं, अर्जुन अवार्ड मिलता है, फिर पद्मश्री अवार्ड मिलता है जिन्हों असी बड़ा कम मानते हैं। सो वो बंदे की लाइफ जो रिटायरमेंट तो बाद आ मुहम्मद अली दे नाल सारे एक बड़ी मशहूर जी कुश्ती हुई है इतिहास के दर्ज, उन्होंने ना बॉक्सिंग करते हैं वो, तो वो जो फिर पेंशन आते हैं बाद कोई माली हालत मतलब बहुत ही चंगी नहीं होंगी क्योंकि सरकारों अणदेखिया होंगे खास करके यह जे लोगों अणगौले किया जाता है। सो एक बार वो बीमार हो गए तो उन्होंने इलाज लिए पैसे नहीं सी, खबर लगती है मीडिया के राही, वो खबर किसी तरीके दे नाल कोई आर्टिकल लाउंदा बंदा तां वो शाहरुख खान को पहुँचता तो शाहरुख खान 5 लाख रुपये की मदद भेजता। सो उत्थों फिर दोबारा गल शुरू होंदी है कौर सिंह बारे। सो इस तरह फिर साड़ी फिल्म लाइन के जिमें हूँ कुछ लोग संजीदा किस्म के सिनेमे अगे लेके आना चाहते हैं, कुछ लोग यहोजी फिल्म बनाने चाहते हैं जिन्हें जिन्हें साड़ी आने वाली जनरेशन को पता लगे डाकूमेंट बन सके जोड़ा एक, जिदे जिमें असी कहने कि मिल्खा सिंह की फिल्म बनी, जिदे असी कहने सूबेदार जोगिंदर सिंह की फिल्म बनी, जिदे असी कहने कि हरजीता वर्गी फिल्म बनी कि उन्हें छोटी उम्र के किमें वर्ल्ड कप जितता हो। सो उस लड़ी से बंद साढ़े को बहुत सारे इस लड़ी के हीरे ने जिहड़े अणगौले ने हजे भी जिन्हें तक असी नहीं पहुँच सके। सो वो कौर सिंह नाँ का बॉक्सर है जिन्हें पद्म श्री जितया। सो वो बंदा 37 साल बाद अज वो कोई दुबारे किसी ने गल छेड़ी है कि कौर सिंह नाँ का बंदा है। सो साड़ी खुशकिस्मती है कि कौर सिंह अज भी साड़े कोल हैगा, मौजूद है, ठीक ठाक है, तुरै फिरदा, क्योंकि यो जे लोगों के फिल्म बन का मतलब है उन्होंने बहुत सारे लोगों के लिए राह दशहरे बनना है। बहुत सारे बच्चों ने जोड़े बॉक्सिंग लाइन आना चाहते हैं या स्पोर्ट्स के किसी भी काम करना चाहते हैं, जो उन्होंने बायोपिक देखेंगे भी किहो जे परिवारों से उठ के किन्नी मेहनत करके बंदा कितने तक पहुँचा, तो असं समझते हैं कि यह साडे बच्चों लिए एक प्रेरणा स्रोत होगा। तो साढ़े को फिल्म एक डाकूमेंट सांभ जाऊगा जो कलों असं गल करा कि ए पंजाब के बंदे हुए हैं, पंजाब के लोग हुए हैं जिन्होंने आम पिंड के जन जीवन चो उठ के बड़ी तरक्या की दुनिया लेवल दी। मलकेसर जो देखा जाए तो एक अजिहा बंदा जिहड़ा कि मुहम्मद अली दे नाल लड़िया है ना, अर्जुन अवार्ड की गल करिए, एशियन खेडों के गोल्ड मैडल की गल करिए, पद्मश्री अवार्ड की गल करिए, इन्ने सारे उन्होंने अवार्ड जितते, पर उत्थे जो वो बीमार होंगे ने चाहे उन्होंने जिंदगी की गल कर जो इन्ना संघर्ष चल रहा है, सरकारों वालों कोई मदद नहीं मिली उन्होंने। सरकारों की मां प्रॉब्लम एक रहेगी साढ़े ना, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, उन्होंने यह लगता होंगे कि सानू वोटा किमें मिल सकती हैं, सानू धर्म के दंगे करा के वोट मिल सकती है, सानू किसी को कोई चीज़ फ्री दे के वोट मिल सकती है, किसी चीज़ को असी यह चीज़ अनाउंस करिए जिदे नाल लोगों को लुभाइए, लोगों की अट्रैक्शन बने। मतलब उन्होंने लगता कि कौर सिंह मदद दे के सानू की मिलना है, कौर सिंह के घर दिन 4 वोटा होणगियां। अज प्रॉब्लम साड़ी सब तो बड़ी है, साढ़े को वोट की राजनीति है,
वोट की राजनीति सानू इस पासे गलत पासे लै गई है, जिन्होंने सानू जिहड़े साडे हीरे सी साडे स्टेट दे साडे मुल्क दे उन्हां लोकां नू इग्नोर कर दिता। सो ये बदकिस्मती ड्रॉबैक है साडा सब तो वड्डा। सो कितना कितने यही कारण होण कि बहुत सारे लोग जिहड़े ने बच्चे नू खेडां दे विच रुचि नहीं दिखा रहे, उन्हां लगता है कि कुछ जिहड़े अफोर्ड नहीं कर सकते, पेरेंट्स नू लगता कोई हैल्प तां मिलनी नहीं अगों। देखो हूँ थोड़ा फिर भी मैंने लगता रुझान बदलिया, क्योंकि जो तुम मीडिया हो तुम लोगों से विचरते हो, तुम लोगों अगे लेके आने हूँ, फिर भी फर्क पे है। हूँ फिर भी लोग बच्चे अपने पेरेंट्स चाहते हैं कि मैंने बच्चे फलाने स्पोर्ट्स पाव, नाल लैके जाते हैं ट्रेनिंग दवाने लिए, बेटा तुम आप खेडो आ करो इतने ट्रेनिंग लाओ इतने आ करो। पर जो इस तो थोड़ा पहला दौर से ना, वो प्रॉब्लम यह सब तो बड़ी सी कि बंदा कल ही लड़ी जाता सी, कल्ला बंदा लड़ के कई बार आ जाता है, वो जो फॉरन कंट्री जित के एयरपोर्ट से उतरद उन्होंने कोई रिसीव करने भी नहीं आता। सो ये बड़ी प्रॉब्लम सी क्योंकि असी अपने फर्ज भुल गए हैं। जिहड़ा साडे कोल अज सोशल मीडिया ये राही थोड़ा बहुत लोगों को पता लगन लग गया, तो थोड़ी जी गल अगे बढ़न लगी है, पर हजे भी असं अवेसले हाँ। तुम हजे भी देखो जो बच्चा कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी जाता है जां स्कूल पढ़ता है, हर पेरेंट्स की इच्छा भी जां तां मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेडिकल रख ले, इंजीनियर बन जाए, मतलब कदे कोई सुनया किसी किसी ने कहा भी हाँ मेरा बच्चा तो कवि बनूगा, मेरा बच्चा तो स्पोर्ट्समैन बनूगा। अज भी मतलब स्पोर्ट्स उन्हां लोगों को समझा जाता भी अच्छा यार इहदा पढ़ाई पढ़ूई कमजोर ने, ये स्पोर्ट्स कर लैणगे, पर यह सब तो बड़ी चीज़ है। देखो जदों ना गेम होंगे ने सारिया कंट्री की गेम्स होंगी ओलंपिक होंगी है, जो असं कितने बैठे होंगे उदों असं टीवी पर जोर लाइए बैठे, असं तैयार किए खिलाड़ी, उस सोचे भी साड़ी इंडिया जित जाए जित जाए। सो उन्हां मुल्कां वाल देखना चाहिए जिन्हां मुल्कां ने बहुत सारे मैडल जितते, जिहड़ियां कल्ले दी गेम्स भी सी, कोई बंदा स्पोर्ट्स दे विच दौड़दा है, कोई बंदा होर नेजा मारदा है, कोई बंदा थ्रो करदा है, जां जिहड़ी अलग अलग चीज़ां ने टीम तो बिना भी खेडियां जा सकदियां ने। सो बॉक्सिंग भी उन्हां च इक आउंदी है। सो इस तरह कोर्सिंग वर्गे बंदे नूं अज अगे लैके आउणा मैं कहिंदा वी समें दी लोड़ है, शायद इहदे नाल होगा कि होर जिहड़े अणगौले बंदे आ कोई होर हिम्मत करेगा कि उहनां बंदे नूं अगे लैके आ जावे। इहदे नाल मैनूं लगदा असीं थोड़ा जिहा अपने आप नूं जस्टिफाई करन दी कोशिश कर रहे हैं, होर कुछ नहीं। जे एक असर गल करिए तो कोई स्क्रिप्ट आ नॉर्मल है ना, जिम्मे कहने फिक्शन पर बेस आ कि ठीक है जिम्मे का मर्जी किरदार निभा लो, बट जो एक बायोपिक आँदी है रियलिटी दिखानी होंगी तो कि चैलेंजिंग रही उस चीज़ की, हाँ हर चीज़ को व्डे पर्दे पर इस तरीके दिखाया जाए कि उस चीज़ ना कि ज़्यादा छेड़छाड़ ना की जाए, हर चीज़ का ध्यान रखना। देखो चैलेंज तो होंगे ही है बायोपिक के, बहुत सारे चैलेंज होंगे ने क्योंकि तुम उस गल तो बाहर नहीं जा सकते, जिम्मे आप कहते कोई धार्मिक चीज़ दिखा रहे हैं ना, जिहड़ी इतिहास के लोगों ने पढ़ी इतिहासक चीज़ दिखा रहे हैं, इसी तरह बायोपिक एक ऐसी चीज़ है वो बहुत ही छेड़छाड़ नहीं कर सकते, कल वो बंदा थोड़ा इतराज कर सकता कि मेरी लाइफ तो आह गल हो तो दिखाई हो। सो इस करके बायोपिक को बड़े ध्यान बनाया जाता है, तो उस बंदे की सलाह देना बनाया जाता है कि असी जो थोड़ा जवानी का इंसीडेंट है उन्होंने इदा दिखा रहे हैं, देखो ठीक है उन्होंने वो तो इजाजत ली जाती है, थोड़े बचपन का इंसीडेंट असं इदा दिखा रहे हैं, थोड़े विआह का आह दिखा रहे हैं, असं ये कमर्शियल एंगल देखते हुए थोड़ा रोमांटिक पक्ष इस तरीके पा सकते हैं। सो य सारा कुछ जो बनता है उस बंद की नॉलेज के होंगे, वो फिर बंदा देखता बनया हो कि हाँ हम पब्लिक जाने तो पहला पहला तुम एक बार दिखा के मैं तो इन ओके करवा सकते हो। सो मुश्किल काम है पर नामुमकिन नहीं है क्योंकि मैरी कॉम तो फिल्म बनी देखो, मतलब जिन्हें साडे कह दें भी कुड़ियाँ जो ब्याह हो गया उस तो बाद कुछ नहीं कर सकती, उन्हें बच्चे जम्मन तो बाद भी मैरी कॉम ने मैडल दिते, वो साढ़े लिए एक चरण मनारा लोग ने जिहड़ियां कुड़ियां दी छोटियां उमरां च मैरिज हो गया नहीं कुछ कर सकियां, करन दी इच्छा सी वो मैरी कॉम की लाइफ नूं देख के उहदी फिल्मां नूं देख के उहनूं लगेगा कि मैं क्यों नहीं कर सकती है, मैरी कॉम बच्चे जम्मन तो बाद मैडल लै सकती है। सो इस तरह मिल्खा सिंह की गल है, कई बार बच्चे कह देंदे ने कि साडे कोल सहूलतां नहीं सी, मिल्खा सिंह कोई भी सहूलत नहीं सी, वो तो चोरी भी करदा रहा पर उहदा मकसद कुछ होर सी। सो इस तरह कोर्सिंग की गल है, जिहड़ी कोर्सिंग बंदा जदों आर्मी च भर्ती हुंदा है उहनूं इह लगदा कि मेरा ना किसी चंगी जगह ब्याह हो जाणा, कि मेरा जिहदे मैं ब्याह करवाउणा चाहुंदा सौहरा चाहुंदा भी मेरा जिहड़ा जो आई है फौजी होवे, पर उहनूं उत्थे जाके लगदा नहीं बॉक्सिंग करना वड्डी गल है, फिर जदों उहनूं उहदे कोच नूं पता लगदा बॉक्सिंग इहदा फौज विच इस काम लई आया सी, फिर उहनूं लाण तां पाउंदा कहिंदा इह तां बड़ा सच्चा सुच्चा काम है, जिहड़ा काम चुण बैठे इहदे पिछे नहीं हटिया जा सकदा वी इह तां वड्डा काम है, उदों तों फिर उहनूं कोर्सिंग नूं लगदा कि मेरा तां मकसद इह है। सो इस तरह यह ना जिंदगी दे विच तुहानूं अपने मकसद बनाउणे पैंदे ने, जदों असीं वड्डियां तों आए फिल्मां च देखांगे उहदे किताबां च पढ़ांगे किते ना किते बच्चे इस गल तों इंप्रैस जरूर होंदे। कोर्सिंग जी भी आते हैं सैट के उपर जो शूट वगैरह, हाँ जी हाँ जी आते हैं बिल्कुल। सो थोड़े सर करैक्टर की गल करें तो उसके बारे एक ऑडियंस जरूर दसो किमें का करैक्टर तुहानू किन्ना का वर्क करना पाया उस चीज़ के उपर। देखो मेरा जिहड़ा करैक्टर मैं तो सिर्फ कोर्सिंग तो समझ ही बह गया क्योंकि उसके सौरा साहब का करैक्टर है जी, जी कुड़ी के नाल उसका विआह होंदा है, मैं उसका फादर हाँ। सो वो बंदा चाहता होंदा है कि मैं मेरा जो जवाई हो आर्मी च होना चाहिए, फौजी होना चाहिए, उन्होंने फौजी लोग पसंद ने कि फौजी लोग पढ़े लिखे बंदे होंगे डिसिप्लिन लोग होंगे ने। सो मैं उन्होंने बह के पुछता रहा कि वो कहे जी दसो मैं उन्होंने चाल ढाल कही जी, उन्होंने मैंने कुछ जड़ियाँ चीज़ें समझाइया, मैं बस उन्होंने गौर रखे जी।
सर जान जाते एक बार फिल्म के बारे ऑडियंस को जरूर दस दो क्योंकि कितने जो हरजीता फिल्म आई सी एक बायोपिक से बेस थी वो नैशनल अवार्ड भी मिला पर फिर भी कितने जो कमाई की गल आती तो यही चीज़ आती कि नहीं उन्नी ज़्यादा नहीं चल सकी हूँ एक फिर फिल्म आ रही कि बायोपिक एक दर्शकों को बेनती है कई बार असं सोच लें कि किसी फिल्म के जी असी फिल्म देख रहे ना ये जी पर्टिकुलर किसी गेम बारे है वो गेम दिखाई जाएगी यह तो उस बंदे की बायोपिक उस बंदे जिंदगी की हो बचपन किमें गुजरिया जवानी किमें गुजरी सारा कुछ ही सो यहोजियां फिल्मों को हल्लाशेरी देना साडा मुढ़ला फर्ज बनता है यहोजियां फिल्मां अगे आउणगियां मैनूं लगता है साढ़े जिहड़े अणगौले हीरे है उन्हां बारे साडी जनरेशन पता लगेगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मेहरबानी। सो ये सन मेरे नाल मलकीत रौनी जी जो कि फिल्म कौर सिंह दे विच नज़र आउणगे। कौर सिंह फिल्म जो कि एक सच्ची कहानी आ बॉक्सर कौर सिंह दी जिंदगी दे उपर आधारित आ जिस विच बहुत सारियां सानू झलकियां जिहड़ियां ने उन्हां दे लाइफ दियां देखण नूं मिलणगियां। और कौर सिंह जी जिन्हां ने कि बहुत सारे अवार्ड जिते पद्म श्री अवार्ड उन्हां ने अपने नाम किया पर किन्ना चीज़ां दे करके जिहड़े किते ना किते उन्हां नूं लोक नहीं जाणदे जां सरकारां दे वल्लों उन्हां नूं मदद क्यों नहीं मिली आखिर की कुछ होया हर एक चीज़ सानू इस फिल्म च देखण नूं मिलेगी। सो तुसीं फिल्म देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो कमेंट करो तो अपनी राय दसो। हाँ लेटेस्ट अपडेट में चैनल देखते रहो प्रो पंजाब टीवी।